पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट का सियासी अवतार नजर आया। चुनावी प्रचार करने गई विनेश फोगाट ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश और उनके आंदोलन को कांग्रेस की साजिश करार दिया था। आपको इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सियासी दंगल में बृजभूषण सिंह और विनेश फोगाट के बीच कुश्ती शुरू हो चुकी है। विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह में जुबानी जंग। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। मैं सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट का दिखा सियासी अवतार। बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर विनेश फोगाट का बड़ा पलटवार। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानी से राजनीति में आई विनेश पहलवान के बीच तलवारें खींची हैं। बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने तीखा प्रहार किया। विनेश के मुताबिक उन्हें जंतर मंतर पर बिठाने वाले बीजेपी ही थी। बृजभूषण शरण सिंह पर हमला बोलते हुए विनेश ने कहा कि बृजभूषण सिंह कोई देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है। उधर विनेश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए बजरंग पूनिया ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर हमला बोला। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। मैं सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। सर बृजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। बृजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता, बस मेरे अपनों ने साथ दिया है। जैसे कुश्ती में जीता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। देखिए वो दिक्कत बृजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं फलाना दकड़ा जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो किसान की जवान की खिलाड़ियों की हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। इससे पहले बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने पर जोरदार हमला बोला था। बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना उनके खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश को दर्शाता है जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। वहीं उन्होंने जंतर मंतर पर उनके खिलाफ हुए प्रदर्शन को भी कांग्रेस की साजिश करार दिया। जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा, अब हम बार बार नाम लें, उसमें तो सब शामिल थे ना, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था? लीड तो भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, प्रियंका जी आई थी। अब प्रियंका से बड़ा नाम तो और है नहीं कोई देश में, मतलब कांग्रेस का एक बड़ा नाम है। और आज जो घटनाक्रम जो सीक्वेंस मिल रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। ये महिलाओं का प्रदर्शन नहीं था, फर्स्ट डे ऐसा लगा था कि ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, लेकिन फर्स्ट डे के बाद जब आप ही लोगों ने उनसे सबूत मांगना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके साथ से लोग हट गए। अवंत में एक फैमिली एक अखाड़ा, जीजा साली और एक अखाड़ा जिसके सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा है और बाकी खिलाड़ी या बाकी लोग उनके साथ नहीं है। हालांकि बृजभूषण सिंह के बयानों पर कांग्रेस भी उनकी आलोचना कर चुकी है। कांग्रेस के मुताबिक जिसके साथ अन्याय होता है वो उसके साथ खड़ी होती है। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट पूरे दमखम के साथ मैदान में है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार जीत 2005 में मिली थी। अब बीजेपी के बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर आंदोलन कर चुकी ओलंपियन विनेश फोगाट कांग्रेस उम्मीदवार हैं और वो जीत का दावा भी कर रही हैं।